हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ये एक सिद्धा मेडिसिन है, एक दवाई है, नीलावेम्बु कुडिनीर. इसको लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है. ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे. जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो स्लाइड पे लास्ट में आपको मिल जाएगा. और फेसबुक पे भी मैं अपलोड कर देती हूँ, बट कई बार कुछ समय लग जाता है. ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू. अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. स्क्रीन पे दिए हुए जितने भी कोर्सेज हैं, अगर इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो हमारा FAQ सेक्शन है हमारी साइट पे, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. अब देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या रेलेवेंस है. ऑब्जेक्टिव लेवल पे नीलावेम्बु कुडिनीर किससे रिलेटेड है, किन बीमारियों के खिलाफ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या रेलेवेंस है, ये आपको पता होना चाहिए. और उसके बाद मैंने आपको बताया, ये एक सिद्धा मेडिसिन है. सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ये दवाई जो है वहाँ पर लिखी गई है उनके टेक्स्ट बुक्स में. तो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है हमारे देश में आयुष को, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उनको प्रमोट करने के लिए. काफ़ी बिल भी इसको लेके आ रहे हैं, जो मैंने डिस्कस किया है अपनी काफ़ी दूसरी वीडियोस में. तो सब्जेक्टिव लेवल पे आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, वहाँ पे आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं. अब देखिए, ये एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए कि नीलावेम्बु कुडिनीर वॉज रिसेंटली इन न्यूज़. ये न्यूज़ में था बहुत बार. कुछ प्लांट्स के नाम, कुछ हर्बल, ये तो अब नीलावेम्बु कुडिनीर जो है ये एक मिक्सचर ऑफ हर्बल ड्रग्स है. ओके, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था. और बहुत बार UPSC में ये चीज़ देखी गई है कि रिसेंटली कोई चीज़ न्यूज़ में रही होती है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है, और उस टाइम हमको नहीं पता होता कि वो कहाँ से पूछ लिया गया है. इसलिए आपको याद रखना है कि ये डेंगू, ओके, आंसर मैंने बता ही दिया कि डेंगू से रिलेटेड, डेंगू को लेकर ये अभी न्यूज़ में रही है. मैं सोच रही थी आप लोगों से पूछूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन बोलते हुए मैंने बोल दिया. एनीवे, डेंगू को ठीक करने के लिए इस दवाई का जो यूज है, जो इस्तेमाल है, वो हो रहा है. इसलिए ये न्यूज़ में ये आपको पता होना चाहिए. अब आगे चलते हैं कि न्यूज़ में क्यों है. क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो रिसेंटली ये जो नीलावेम्बु कुडिनीर है, एक सिद्धा मेडिसिन, एक कंकॉक्शन यानी एक मिक्सचर, मिश्रण है ये डिफरेंट हर्बल ड्रग्स का, हर्बल जो प्लांट्स हैं उनका, वो डेंगू को, डेंगी, इसको डेंगू बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में डेंगी बोलते हैं, बट यूजुअली इसको डेंगी ही बोला जाता है प्रोनंसिएशन में. डेंगी का जब भी आउटब्रेक होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये जो मिश्रण है नीलावेम्बु कुडिनीर का, ये यूज़ किया जाता है. और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो इसको प्रमोट भी करती है. इसलिए ये न्यूज़ में है. क्योंकि अगर आपको पता हो, डेंगी और चिकनगुनिया दो ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए फ़िलहाल कोई प्रॉपर इलाज जो है वो नहीं है. अब आपके लिए सवाल यहाँ पे ये है कि डेंगी और चिकनगुनिया जो है वो किससे होते हैं, और उनके कैरियर्स क्या हैं, वो स्प्रेड कैसे होते हैं, कौन से, ओके, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ओके, अगर जिस भी चीज़ का नाम लिखेंगे उसका पूरा साइंटिफिक नाम ज़रूर लिखिएगा. ओके, दैट इज़ अ हिंट फॉर यू. अब देखिए, नीलावेम्बु कुडिनीर जो है ये देखा गया कि इन विट्रो कंडीशंस में, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, इन वाइवो बोलते हैं, कोई भी चीज़ जब सेल के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम उसको टेस्ट करें या कोई कंडीशन हो, तो उसको इन वाइवो कंडीशन बोलते हैं. इन विट्रो कंडीशन होगी टेस्ट ट्यूब्स या जो आपकी लेबॉरेटरी की कंडीशंस हैं उसमें. उसमें देखा गया कि जो नीलावेम्बु कुडिनीर है ये एक अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, एक प्रोटेक्शन दिखा रहा है. किसके अगेंस्ट? चिकनगुनिया का जो वायरस है उसके खिलाफ इफेक्टिव जो प्रोटेक्शन है वो दिखा रहा है. और हम इसको चिकनगुनिया और डेंगू की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं. डेंगू जब एक्यूट फेज में है तब इसको ट्रीट कर सकते हैं, और चिकनगुनिया को भी. और डेंगू का जो सब टाइप इंडिया में देखा गया है वो है डेंगू सब टाइप 2. ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है. और इसके लिए भी जो इसको टेस्ट किया गया है, इसकी नीलावेम्बु कुडिनीर की फॉर्मुलेशन को, तो अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे देखने को मिले हैं. अब देखिए, इसमें ये जो है कॉन्कॉक्शन है, ये जो मिश्रण है, ये एक अच्छा एंटीवायरल एक्टिविटी दिखा रहा है. कि अगर 3% इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन डोज दे रहे हैं, तो ये एंटीवायरल एक्टिविटी दिखा रहा है. क्योंकि अभी डेंगू और चिकनगुनिया के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड हो सकता है इन बीमारियों से लड़ने के लिए. क्योंकि हमेशा हम एलोपैथिक मेडिसिन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमें अब आयुष, ये जो सिद्धा मेडिसिन है, इसमें भी रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए. जब इतने अच्छे
अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो मोड ऑफ एक्शन जो है इसका, डेंगू के केस में एंटीवायरल रहता है कि ये वायरस पे अटैक करता है, और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी रहता है चिकनगुनिया इन्फेक्शन में, यानी चिकनगुनिया के इन्फेक्शन में ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो हमें बीमारियों के खिलाफ बचाता है, ये उसमें उसके फंक्शनिंग में चेंज लाता है और ह्यूमंस को इस इन्फेक्शन के खिलाफ बचाता है, ये चीज़ इसमें देखी गई है। अब देखो ये मैंने आपको बताया एक सिद्धा मेडिसिन है, इसका एनालिसिस हम आगे आगे अलग से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ सिद्धा मेडिसिन जो है आपको पता है एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो कि एंशियंट तमिलनाडु में शुरू हुआ था, साउथ इंडिया और श्रीलंका में जो लोग इनको प्रैक्टिस करते थे उनको सिद्धार्थ बोला जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये स्पिरिचुअल लोग हैं जो इनको प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास अष्ट सिद्धिज हैं, यानी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स, यानी अमनुष्य ताकत जो है, शक्तियाँ जो हैं उनके पास हैं, और जो इसको फर्स्ट इसके जो सिद्धा के गुरु माने जाते हैं अगस्त्यार, ऐसा माना जाता है कि उनको ये शक्तियाँ जो हैं शिव भगवान ने खुद दी थी, तो ये इसका बेसिक फाउंडेशन है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें हर्बल सिस्टम और इस तरह का सिस्टम का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। 18 सिद्धार्थ पहले माने जाते हैं कि वो लोग थे, और उसके बाद उनका जो भी नॉलेज था मेडिसिन सिस्टम को लेके, उन्होंने एक पाम लीफ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं जहाँ पे पाम के पत्ते यूज़ करके उन्होंने वहाँ पे लिखा, और वही अब आगे टेक्स्ट बुक्स में छपा है और वो यूज़ होता है। तो ये आपका सिद्धा सिस्टम था, इसके बारे में आप और क्या जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि जो इस तरह से हर्बल ड्रग्स यूज़ होते हैं ये कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने इफेक्टिव हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये एविडेंस देखे गए हैं बीमारियों के खिलाफ, ये इनिशियली हमेशा बहुत अच्छा जो बोलते हैं इफ़ेक्ट दिखाते हैं, लेकिन कई बार इतने स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि जो मेडिकल ट्रायल्स हैं, जो सिद्धा सिस्टम है, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए जब भी थोड़ा बहुत टेस्टिंग किया जाता है उसके बाद लोगों में वो चीज़ बांट दी जाती है, लोग उसको यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे एलोपैथी में हम लोग, जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, वहाँ पर कोई भी दवाई मार्केट में तब तक नहीं लाते जब तक हम उसके क्लिनिकल ट्रायल्स ना कर लें, लेकिन यहाँ पर तो कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते। अब ये मान सकते हैं कि इस तरह की जो भी मेडिसिन्स हैं, जैसे ये ये पर्टिकुलर मेडिसिन की अगर बात करें, ये एंटी पायरेटिक भी है, यानी फीवर को दूर करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इन्फेक्शन को दूर करती है, एनल्जेसिक यानी ये दर्द जो पेन है उसको भी दूर करती है, और एंटी ऑक्सीडेंट भी है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अब ये जो नीलावेम्बू है, ये बेसिकली एक इसका मेन नीलावेम्बू कुडिनीर, यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एंड्रोग्राफिस पेनिक्यूलेटा, जिसको हिंदी में नीलावेम्बू बोलते हैं, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं। लेकिन मॉडर्न सिस्टम में आपका क्या होता है कि कोई एक ही इंग्रेडिएंट होता है जो किसी बीमारी के खिलाफ एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, राइट? लेकिन प्लांट में रिसर्च करना और प्लांट से मेडिसिन बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बीच में होते हैं, और वहाँ से उसको अलग करना कि स्पेसिफिकली कौन सा इंग्रेडिएंट होगा जो इफ़ेक्टिव है, वो रिसर्च थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसको लेके कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई थी, क्योंकि जब जयललिता जी CM थी तमिलनाडु की, उनके टाइम में इसको अप्रूव किया गया था कि ये मेडिसिन दी जाएगी डेंगू और चिकनगुनिया के टाइम पर, लेकिन फिर बाद में बहुत, जैसे कमल हसन हैं एक एक्टर तमिलनाडु के, उन्होंने फिर ट्वीट किया कि हमको इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट जैसे मैंने आपको बताया एंडोग्राफिस पेनिक्यूलेटा है। कुछ रिसर्च पेपर्स दिखाते हैं कि ये जो हर्बेशियस प्लांट है इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, तो अगर हमने ये जो हर्बल मिक्सचर है हमको प्रॉपरली नहीं पता है कि कितना लेना है, ज़्यादा ले लिया तो इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धा टेक्स्ट बुक्स में जैसे लिखा है कि आप 4 ग्राम जो ये नीलावेम्बू कुडिनीर है 4 ग्राम 400 ml पानी में मिला के उसको बॉयल कीजिए, फिर जब वो 100 ml बच जाए उसके बाद 3 घंटे में उसको पी लीजिए। और जो गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज है उसने अपने OPD के थ्रू
8 लाख 8 साढ़े 8 लोगों को ये ड्रग बेचा भी है। अब ये जो बाकी मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो नहीं मिलता, लेकिन रिटेल्स में ये ज़रूर बिकता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि हो सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हों, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च अभी कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो हमको इसको एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि क्योर की तरह। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इलाज अच्छे से कराना चाहिए, और इस तरह की जो मेडिसिन हैं जब तक इन पे प्रॉपर रिसर्च नहीं हो जाती, इनको प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज़ करना चाहिए, इलाज के तौर पे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस केस में क्या करना चाहिए, रिस्क तो हैं इससे रिलेटेड, लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बिना प्रॉपर रिसर्च को हम इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडिया बहुत बड़ा देश है, उनको हर जगह जाके ख़त्म नहीं कर सकते और ख़त्म करनी भी नहीं चाहिए, बल्कि उसमें रिसर्च को बूस्ट करना चाहिए। लेकिन जब तक प्रॉपर रिसर्च ना हो जाए उनको एंडोर्स भी नहीं करना चाहिए। सो पहला स्टेप यही है कि आयुष जो है इस तरह की मेडिसिन उसमें आप रिसर्च को बढ़ावा दीजिए और प्रॉपरली जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो करवाइए, ताकि एक लोग ब्लाइंड फेथ पे इस तरह की मेडिसिंस ना खाएं। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, CSIR जो है उन्होंने एक एंटी डायबिटिक हर्बल पिल थी BGR 34, अगर आप इसके बारे में सर्च करें, एक हर्बल पिल थी ये, जितना प्रॉमिस किया गया था ये इफ़ेक्ट दिखाएगी वैसा उसने कुछ नहीं दिखाया था, बहुत ही पुअर एविडेंस था इसकी रिसर्च का। तो इस तरह की चीज़ें सामने ना आए, ताकि रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, और लोगों में यही अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि मेडिसिन ऑब्वियसली ख़राब नहीं है, बट आप इसको प्रिवेंटिव मेजर पर लीजिए, एक इलाज के तौर पर ना लीजिए। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आंसर तो मैं आपको वैसे बता ही चुकी थी, डेंगू है, और PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा।